राजस्थान के 12 जिले में गत बरसात में आई बाढ़ में छिपा बड़ौद के तहसील नया गांव नीमथुर में सड़क की बांध व पाल क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण वासियों को परेशानियां हो रही हैं। रास्ते में बने बड़े बड़े गड्ढों के चलते बारिश के समय रास्ते से वाहन नहीं निकल पाते। भाजपा नगर अध्यक्ष अमीन खान ने बताया कि जब बांध को ऊंचा करने का काम चल रहा था तब गांव वालों ने इसकी आपत्ति जताई थी। इस गांव में बारिश के टाइम पे बांध की पाल टूटने से गांव डूब में आ गया है और गाँव टापू बन गया था, जिसके कारण गाँव वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसी समय विधायक महोदय को तुरंत सूचना दी गई कि हमारा गाँव टापू बन चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो विधायक महोदय ने तुरंत प्रभाव रेस्क्यू टीम भिजवाकर गांव वालों को एक एक करके गांव से बाहर निकाला और उसी पाल से कब्रिस्तान की ओर जाने वाला रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया और कहीं लोगों के खेत पर पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। इसी को लेकर गांव वालों में रोष व्याप्त है। अमलावदा के जो नीमतुर गांव है, जहाँ पे अभी बाढ़ के समय पे यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ था, जिसके कारण ये जो गांव है पीछे की ओर ये एक टापू बन गया था। उस दौरान यहाँ पे सेना द्वारा रेस्क्यू किया गया था, सारा प्रशासन का लवाजमा यहाँ पे था, कई लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से पास की जो अमलावदा की जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे पहुँचाया गया था। और उसी समय पे ये कम से भी कम 200 के तकरीबन फीट जो है इसकी लंबाई है और कम से भी कम 15 फीट इसकी ऊंचाई है। ये जो इसकी पाल है ये टूटी टूट के बह चुकी है, जिसके कारण नीचे के खेत जमीन जो भी है काफ़ी नीचे नुकसान हुआ है। कई बड़े बड़े जो इमारती जो पेड़ थे वो भी धराशायी होकर बह निकले हैं। हमारे साथ जो भाई साहब हैं, आज हम इनसे भाई साहब से जानना चाहते हैं, तो ये भाई साहब ने बताया कि इसको लेके आज तक किसी भी अधिकारी का या कर्मचारी का, संबंधित विभाग के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। तो इसको लेके आपके यहाँ पे जो क्या क्या इससे आपके नुकसान है? एक तो पूरा खेत खत्म हो गया हमारा ये। अच्छा, कब्रिस्तान का रास्ता खत्म हो गया। अच्छा, और भी इसके अलावा कोई टूटते बढ़ते गांव का खतरा हो जाता साहब इससे? और भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे जो कब्रिस्तान है वो उसका रास्ता भी एकमात्र यही था जो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है। साथ ही इधर जो जमीनें हैं, खेती बाड़ी की जो जमीनें हैं, जमीनें भी इधर रास्ते नहीं होने के कारण नहीं जा सकते हैं और ये धीरे 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 कटते कटते ये गांव की ओर बढ़ रही है, जिसको लेकर आप पीछे दिखाइए एक बार, यहाँ पे ये तार वगैरह करके और इधर आना रोक दिया है, जानवरों का भी आना रुक रहा है इससे और आदमी का भी इधर। तो भाई साहब आपसे बताओ कि अगर जैसे प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, संबंधित विभाग द्वारा, तो आप इसको लेकर के और भी तो आगे कोई विभाग है, कोई अधिकारी है, तो आप इसको बनवाना चाहते हैं या नहीं? बनवाना चाहते हैं ना हम, पक्के से दीवार होगी, कच्ची तो रुकेगी नहीं जी, इसको पक्की दीवार होकर रुकेगा। तो इसके लिए आप अधिकारियों से क्यों नहीं मिल रहे सर? कहता एक रोज चौकीदार से कहता जब उन्होंने कहा रास्ता नहीं है, अभी यूँ नहीं है रास्ता, तो खूब कराओ तो विधायक साहब से कह दी। विधायक साहब देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।